मुझे नहीं पता कि आप कहां से हो, आप कौन हो, आपकी परसेंटेज कितनी है, आप लायक हो या आप इंटेलिजेंट हो, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। और ये बातें रियलिटी और फैक्ट की बेस पे हैं, जो मैंने पहले की और जो मैं नेक्स्ट करूंगा। और ये बातें आपको कहीं नहीं मिलेंगी, किसी सेमिनार में नहीं मिलेंगी, क्योंकि वहां पे लालच है, वहां पे मेंटोर और ऑडियंस के दरमियान एक रिलेशन होता है लालच का, बट यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि FSC बुरी है, FSC प्रीमेडिकल बुरी है या FSC प्रीमेडिकल नहीं करनी चाहिए, बल्कि खुद मैंने FSC प्रीमेडिकल की और आज मैं जूलॉजी कर रहा हूं। लेकिन ये वीडियो बनाने की मुझे क्यों जरूरत पेश आई, इसलिए कि FSC प्रीमेडिकल करने के बाद मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस हुआ, मैंने बहुत कुछ ऑब्जर्व किया और मैंने ये फील किया कि ये सारी चीजें जो लोगों को, जो स्टूडेंट्स को FSC करने के बाद समझ आती हैं, ये सारी चीजें FSC करने से पहले जब स्टूडेंट्स एडमिशन्स ले रहे होते हैं या जब FSC का स्टार्ट होता है, तब उन लोगों को ये बातें पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखना, पता नहीं कौन सी बात आप लोगों की जिंदगी बदल दे। डिसएडवांटेज नंबर 1, मेरिट्स आर टू मच हाई फॉर MBBS। बहुत सारे स्टूडेंट्स FSC प्रीमेडिकल इसलिए रखते हैं कि वो मुस्तकबिल में डॉक्टर बनेंगे, लेकिन वो मुस्तकबिल में डॉक्टर नहीं बनते। बहुत बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो डॉक्टर बन जाते हैं, और वो भी FSC रिपीट करने के बाद। और बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता है कि जिसने फर्स्ट टाइम FSC की है, उसने एंट्री टेस्ट दिया और वो MBBS कर रहा है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा लाइक स्टूडेंट्स थे हमारे कॉलेज में, हमारी क्लास में, जहां मैं एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करता रहा वहां पे, बट मुझे एक भी ऐसा बंदा नहीं मिला जिसका MBBS में मेरिट बना हो। मैं आप लोगों को डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं आप लोगों को रियलिटी दिखा रहा हूं, और इस रियलिटी को जितना जल्दी हो सके समझो और समझने की आदत डालो, ताकि मुख्तलिफ लोग आपका इस्तेमाल ना कर सके, लालच में आके आपको टेम्परेरी मोटिवेशन दे के खुद का फायदा निकाल के। उन्हें कुछ नहीं फर्क पड़ता कि आप MBBS में जाते हो या आप मुलाजम बनने वाले हो, आप चपड़ासी बनने वाले हो। मैं बात कर रहा हूँ उन अकेडमीज की जो एंट्री टेस्ट की तैयारी करवाती हैं। स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई करने में उनका भी बहुत ज़्यादा हाथ है, बहुत ज़्यादा वो आपको इंस्पायर करेंगे, मोटिवेट करेंगे। 350 नंबर है आपके, और आप उनसे पूछें कि मेरा मेरिट बनेगा या नहीं, तो वो आपको यकीनन वहाँ पे डॉक्टर बना के छोड़ेंगे। बट जो मैं बात बता रहा हूँ आपको, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो आपको ये बताएंगे, बट रियलिटी यही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स स्ट्रेस में चले जाते हैं, आते वो डॉक्टर बनने के लिए हैं, बट चले वो किसी और फील्ड में जाते हैं, फिर उनका इंटरेस्ट वहाँ पे डेवलप नहीं हो पाता, फिर वो कहते हैं कि मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता, तो सारी उनकी लाइफ आने वाली स्पॉइल हो जाती है। तो इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन ये है कि आराम से बैठ के खुद को एनालाइज करो, खुद को एनालाइज करो कि मैं इस करियर के लिए बेस्ट हूँ या नहीं। एक ख्वाहिश है आपकी और एक चीज है कि आपको वो मिलेगी या नहीं, आपके लेवल की है या नहीं। मिसाल के तौर पे अगर मेरा मुकाबला करवाया जाए जॉन सीना से या डीन एम्ब्रोस से, तो मैं तो कभी रिंग के अंदर एंटर भी ना हूं, और यकीनन आप लोग भी ऐसा ही करोगे। लेकिन फिर क्यों हम इस मामले में ऐसा क्यों नहीं करते? आप खुद को एनालाइज क्यों नहीं करते कि मेरा मुकाबला किन स्टूडेंट्स के साथ होने जा रहा है, किन के साथ मैं कंपीट करने जा रहा हूं, क्या मैं ये कंपटीशन जीत पाऊंगा या नहीं? ये आपको एकेडमिक्स वाले नहीं बताएंगे, ये आपको खुद पता चलेगा जब आप खुद को एनालाइज करोगे। तो मैंने आपको एक डिसएडवांटेज बताया और साथ उसका सलूशन भी दिया। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, डिसएडवांटेज नंबर 2, एकेडमिक्स ऑफ एंटी टेस्ट मेक्स द बिजनेस। जो अकेडमीज एंट्री टेस्ट की तैयारी करवाती हैं, वो अपने सेमिनार्स करवाती हैं जहां पे लोगों को मोटिवेट किया जाता है, स्टूडेंट्स को इंस्पायर किया जाता है, टेम्पररी मोटिवेशन दी जाती है कि आप कर सकते हो, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज निकाली जाती हैं। इवन वो बंदा जो बिल्कुल एवरेज पास है, उसके लिए भी वो पॉसिबिलिटी निकाल देते हैं कि आप तो डॉक्टर बनोगे ही बनोगे। अब ये काउंट होता है FSC प्री मेडिकल के डिसएडवांटेज में, क्योंकि अब अगर हम कंपेयर करें FSC प्री मेडिकल और FSC प्री इंजीनियरिंग को, तो
इंजीनियरिंग जो है उसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं अगर किसी ने इंजीनियर बनना है। अगर किसी ने इंजीनियर बनना है और उसने एफएससी प्री इंजीनियरिंग रख ली है तो अगर उसका मेरिट कम भी आया है तो वो इंजीनियर बन ही जाएगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे अगर मेरिट बहुत ज्यादा आपका नहीं बना तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते। यहाँ पे कंपटीशन बहुत ही ज्यादा है। अगर आप अपना डिजायर पाना चाहते हो तो आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी होगी और उसके बाद भी ये कंफर्म नहीं होता कि मेरा एडमिशन होगा या नहीं, बट ये एकेडमीज वाले कंफर्म करवा देते हैं। अब उनकी बात को लोग सच मान लेते हैं और इमोशनली अटैच हो जाते हैं कि हाँ मैं तो डॉक्टर बनूंगा ही बनूंगा। अब पता नहीं कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एकेडमीज को ज्वाइन करते हैं और उनका एडमिशन नहीं हो पाता। अब जो हमारे एरिया में एकेडमी थी, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स थे वहां पे, बट किसी एक का भी एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हुआ। और मैंने उनके सेमिनार्स अटेंड किए, बहुत उन्होंने मोटिवेट किया, बहुत अच्छा उनका सेमिनार रहा, बहुत उन्होंने बिजनेस किया। मुझे नहीं पता कि आप कहां से हो, आप कौन हो, आपकी परसेंटेज कितनी है, आप लाइक हो या आप इंटेलिजेंट हो, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। और ये बातें रियलिटी और फैक्ट की बेस पे हैं जो मैंने पहले की और जो मैं नेक्स्ट करूंगा। और ये बातें आपको कहीं नहीं मिलेंगी, किसी सेमिनार में नहीं मिलेंगी, क्योंकि वहां पे लालच है, वहां पे मेंटोर और ऑडियंस के दरमियान एक रिलेशन होता है लालच का, बट यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। ये सारा कुछ बिजनेस है, आप लोगों को इमोशनली अटैच नहीं होना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एकेडमीज में मत जाओ, जरूर जाओ, बट इमोशनली अटैच मत हो। जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए, क्योंकि एकेडमी में बहुत ज्यादा नॉलेज मिलता है। बट गलती कहां करते हैं स्टूडेंट्स, इमोशनली अटैच हो जाते हैं कि मैं तो डॉक्टर बनूंगा ही बनूंगा, ये गलत है। अगर आपने उनकी बातों को सुनना भी है तो फैक्ट की बेस पे सुनो, और जब आप फैक्ट देखोगे तो आपको हंसी आएगी, मोटिवेशन नहीं आएगी, हंसी आएगी कि ये क्या बोल रहा है बंदा। बट जब आप रियलिटी और फैक्ट को नहीं देखते, जस्ट मोटिवेशन पे ही बिलीव करते हो, तो फिर आपके लिए नेक्स्ट प्रॉब्लम होती है जब आपका एडमिशन नहीं बनता।